स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स मैन आई राइट बैक टू माय चैनल वेज गेमिंग गाइस। आज मैं तेलुगु की बहुत बेहतरीन कैजुअल की वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। तो वीडियो है नहीं, ये ऐसी फॉर तफरी है, देखते हैं। अबे भाई नेगेटिव क्यों चला रहे, पागल है क्या? मिड पे नेगेटिव है, बड़ा भयानक है भाई वो। ना भाई बॉम्ब ड्रॉप कम भी दूसरे राउंड पे इसके पास ऑफ कम। नाइस नाइस कैसे है, पक्का लग रहा है नेगेटिव का वजाहत। ओए होए होए क्या गया, ओह ये चलाना पूरी जिंदगी लगे। तुझे क्या है, तू चला लेना भाई। वैसे अच्छी नेगेटिव चला रहे लड़के, तू आप लेके खेल ले, तुझे किसी ने। तो अब हम फिर से भी जाएंगे क्योंकि भी तो बंदा आ रहा है, एक दो जाओ तो ये चलते ना को तो स्मोक करने का तरीका, यहाँ से आपने जी स्मोक करना है, इससे इससे और वो इधर आके बैठने हैं। 95% लोग इधर ही आके बैठते हैं, तो आप चाहो तो वरना मैं घुस जाता उसमें, तो देख लिया। फ्लैशेस हो रहे हैं, काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था गेम। जंगल हाँ, ये राउंड तो टी वाले थे। यार ये बंदा वजाहत बहुत टाइट खेल रहा है, लेकिन भी टीम भी है। ओए ओए यार अबे शिट, नाइस यार। आ वन टैप पड़ा, लगभग तो हो गया है, ये राउंड तो गया क्योंकि वो क्लच तो कर नहीं पाए। दो दो ओपन, वेल प्ले, देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से तो हम लोग का ही राउंड है अगला भी, बिल्ली गन उठा के वो मस्त आ रहा है। देखो मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ लेकिन मुमकिन नहीं है कुछ होना खास। बंदे आएंगे, क्या फ्लैश है भाई, नहीं बैठा हुआ है वो मुझे पता है। और ये आएगा भी आएगा, डोंट पुश होल्ड। ये मेरा मकसद है, हाई मिड दे विल गो बी। ऊपर आए थे, अरे नाइस, बहुत किल्स ले लिए तूने आज के लिए। हाँ
लगाया था इसने कुछ अभी ये। हाय नेगेटिव चलाते हैं। देखो भाई नेगेटिव चलाने का तरीका, नेगेटिव चलाने के लिए ना आई क्यू लेवल अच्छा नहीं चाहिए और कुछ नहीं, नेगेटिव से आई क्यू लेवल पर ही चलती है। बी 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 पुश ऑफ मिल रही तो नेगेटिव पर करना है। बी बी लग भी है। ओके और बीस और से पुश हो गया है और उसमें जरूरी है अंदर। मेरा शॉट था भाई, खैर जो हुआ सो हुआ। वो मेरी गोली उसकी कमर पे लगने के बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब मैं इतना हल्का हो गया हूँ उसकी नज़र में। गाइस इंशाल्लाह 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 भाई गाइस पबजी की भाई अच्छी सी वीडियो आने वाली है गेम प्ले के साथ, तो आप प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। और वैसे करते तो यहाँ पे कर लेते हैं लेकिन आप लोग का लाइक ही काफ़ी लगता है मुझे, ये तो ऑलरेडी काउंट होता ही है। रिस्क ले रहा हूँ मैं ये जिंदगी मौत की। मेरा FPS भी काफी गिर रहा है, अक्सर होता है। पैसा दिया ओ भाई, ये क्या हुआ? ऐसे काम नहीं किया करो। ये क्या हुआ? अरे लड़के मर भी गए थे ताको अपने भी मिली। हाँ ओपिंग करते हैं। यहाँ पर यही हो रहा होता है, हम जा रहे होते हैं ना रास्ते में। बॉम्बर स्पॉटेड बी, बी टनल आएगा, बी टनल आएगा, मल्टीपल बी। कुछ क्यों करा यार इसने, पागल है। नीड बैकअप भी, नीड बैकअप गाइस, नीड बैकअप। नहीं भाई मरना ही था मुझे, सही से मैं खड़ा हुआ था ना। आप देख सकते हैं कि कितना गेम जो है ना ये मुश्किल नहीं है, खेल हर कोई सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो टेक्निक्स है ना चीज़ों की वो अलग अलग होती हैं। मतलब कहने का ये है कि एक आम आदमी भी गेम आराम से खेल सकता है, पर ये बस है कि जो गेम वो खेलेगा ना वो एक आम आदमी दूसरा नहीं खेलेगा। वैसा मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला मैंने ऐसा क्योंकि इस गेम को खेलने का प्रैक्टिस, एवरीथिंग बिकम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी ढंग का नहीं होता, आप भी जानते हो ये चीज़। तो प्रैक्टिस अगर है चीज़ की तो भैया आप पीरो प्लेयर बन जाओगे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप भी चाह रहे हो कि आपकी गेम और अच्छा चले, तो ये आपकी भूल है। बगैर प्रैक्टिस के
गेम खेलना, कोई भी गेम हो, चाहे वो कोई भी गेम हो जाए, हजारों गेम है, लेकिन ऐसे FPS रियल टाइम गेम जिसमें प्लेयर टू प्लेयर होता है, वो खेलने के लिए तो आपको टेक्निक्स और स्किल्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लोग कुछ कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये जो मैंने पकड़ी हुई गन, ये स्किन वाली गन है, ये स्किन चढ़ी हुई है उस पर, कहते हैं कि ये स्किन खरीदने से स्किल अच्छे होते हैं, ये मतलब इतनी डिप लॉजिक है भाई। स्किल्स आपको प्रैक्टिस करने से अच्छे होते हैं और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये एक सिंपल सी बात है। और इसको समझने के लिए ना कोई लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहिए, सिंपल है सब, ठीक है। तो आप भी करें, अगर ये गेम खेलते हैं, बहुत से लोग नहीं खेलते, लेकिन जो लोग खेलते हैं वो जानते हैं मैं किस प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। टेक्निकली बॉल प्रैक्टिस की बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मैं रियल टाइम में सभी खेलने में प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंपेटिटिव खेलता हूँ और मोस्टली तो इसमें तो हम सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, और कोई मकसद नहीं होता हमारा। मतलब ये एसपी फिर कर रहे हैं, एसपी बहुत कभी कभी फिर होती है, वरना वो ही करते हैं कंपेटिटिव खेल। तो प्रैक्टिस करके हाथ पक्का करना एक अच्छी बात है, क्योंकि ये फैशन लोगों की आदत है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करे बगैर कोई भी गेम नहीं खेलता, अभी देखने में मरने वाला हूँ अभी तरीके से। होल्ड 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 गाइस, पुश करने की जरूरत नहीं, उनके काफी लोग बचे अभी तक, होल्ड करो। ओके चलो बॉम्ब ड्रॉप आगे करो। मैं इसको नाइफ करना चाह रहा था, लेकिन वो मुझसे तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे बंदे ने नाइफ कर ही दिया। अच्छा इत्तेफाक से नाइफ ही निकल गया, तो मैंने कहा चलो उसने देख लिया, उसने नो स्कोप फिर ऑन करा। अरे चलो ये जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है, शायद लोगों को खबर भी नहीं है इसकी। ओहो नाइस ट्राई यार, ये गया, सिंपल इज दैट। फिर से ऑफ चलाऊंगा मैं। हाँ ये बंदा हमेशा छुप जाता है, ये फट्टू है। कैसा दिया भाई, टी रैम टी रैम। बॉम्ब ड्रॉप है, टी रैम क्लियर। कमिंग ब्रो, कमिंग कमिंग। चलो रे टी रैम चलो सब। अरे ए मेन पर है ये, टी रैंक नहीं है बेटा ये। अरे अरे यार आई वांट यार है। ओ एमवीपी मिल गया, चलो एमवीपी मेरा ही हुआ, लेकिन मैं नो स्कोप देना चाह रहा था उसको। दिस इज नॉट टू इजी। अब पैसे एंड हो गए तो मैंने स्काउट ले लिए, बड़ी सस्ती सी गन है, ये भी स्नाइपर राइफल है, प्रॉबेबली पुश करेंगे वो लोग, स्नाइपर राइफल है ये, लेकिन इसका जो एक्चुअली में मकसद है वो है लाइट डैमेज। इसका हेड पे अगर मारेंगे तो बंदा फॉर्म मर जाएगा, लेकिन बॉडी पे दो शॉट में मरता है। लेकिन इसको चलाने के लिए मास्टर लेवल चाहिए, मतलब बहुत डिग्री यूज़ चाहिए। किया, संभाल कर, कोई होल्ड करो, अभी नहीं अभी नहीं। हाँ इसे एक जल टैंक यूटिलिटी देख सकते हैं, अब बंदा आ गया है बी। ओके बी 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 मैंने
मैंने इसको स्काउट का बड़ा प्यारा शॉट दे दिया बाय द वे। जल्दी आओ रे बी आओ। बॉम्ब ड्रॉप बेंच मेरा शॉट था ये पहले नहीं गया था कोई था। तो आप देख सकते हैं कितना मजा आया। चार तक मैं पहुंचाऊंगा तो मुझे काफी मजा आया। और कॉल खेलते हैं वीडियो तो अभी बहुत मिस किए जी लगेंगे आपको कितना वो नहीं आएगा था ना लेकिन कॉल खेल लेते हैं आज। उसको किसने मारा इन्फर्नो खेलते हैं। सो थोड़ी इसी लंबी होगी वीडियो की गेम प्ले है तो गेम प्ले में तो थोड़ी बहुत लंबी होती है तो आप सके तो देखिएगा पूरी वीडियो। तो गाइस हम आ गए हैं और इन्फर्नो है ये बेस्ट मैप ऑफ सीएसगो गेम प्ले। तो ये देखें इसकी एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ मुर्गी की किसी को बताएगा नहीं सीक्रेट है। इस पर ही दबाएंगे ना ये आपके साथ साथ आएगी। ऐसा लोग ना कंपेटिटिव मैचेस में करते हैं सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं मुर्गी मेरे पास आ रही है लेकिन अगर आप इसको मार देंगे तो वो नहीं आएगी फिर। तो आप टेंशन ना लें वो आप नहीं आएगी आपके पास। आपको तो ये अनसेटिस्फाई लग रहा होगा ये क्योंकि हमको मार देते हैं कभी कर देते हैं। ओए होए नाइस ओ भाई डिवाइड डिवाइड डिवाइड। छह तो बंदे हमारी टीम में नहीं सात बंदे एक बॉट है। बॉट है ना नहीं बॉट नहीं है बॉट के बंदा आ गया साइड। तो आप देख सकते हैं कितना एनर्जेटिक मैप है ये। मिड टू एक्चुअली मेरी गई मुझे पता है उसको कुछ नहीं हुआ वो बहुत ज़्यादा थे वो और ज़ाहिर है मैं तो अकेले तो नहीं मार सकता था। डैमेज मैंने बिल्कुल हल्का फुल्का दिया ये क्या करा भाई इनडायरेक्टली वो लोग जीत गए यार। इसकी आवाज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर रही है। प्ले विथ फेमस इज माई ओल्ड फैशन। सो गाइज वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जाहिर है बन रही है तो फिर पूरी बनेगी लेकिन ये मैं खेल के बना रहा हूँ ये नहीं मैंने रिकॉर्ड करी है। मैं लाइव खेल रहा हूँ प्ले भी कर रहा हूँ कुछ ले लिया मैंने कुछ खेल लिया। ओए होए यार मेरा गन का मैगजीन एंड हो गया वरना ये मेरे हाथ से जाया था। मैगजीन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था वरना ये नहीं बचता। अभी लोग फंस गए हैं और हम लोग जीत रहे हैं 4-6-5 तो 3-5 हो गया अब। और आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि इस गेम में मोस्टली टाइम में वैसे तो बॉट नहीं होता है लेकिन मोस्ट टाइम ऐसा होता है कभी आप सुबह उठ के गेम खेलें तो आपके साथ सिर्फ बॉट्स होते हैं। सही है तो बॉट्स होते हैं और बहुत अजीब सा गेम प्ले होता है वो तो सर्वर डाउन होता है। जी भाई आ रही है आ रही है। सर्वर बिल्कुल मरा हुआ जिस वक्त होता है ना उस वक्त ऐसे ही होता है। और
मजे की बात ये इस गेम में ना मल्टीपल प्लेयर्स रिलीजन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं, मतलब हर इंसान अपने अलग अलग प्रोफेशन का आता है और सब अलग अलग होता है, मतलब कोई अरबी होता है, कोई ईरानी होता है, तो इस तरीके से लोग इधर आते हैं सब ऑफेंसिव कभी कभी होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ऑफेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो होते हैं। अबे भाई दिखा ही नहीं, मैं अब नूबड़ा बन गया, बंदा दिखा ही नहीं। चलो मसले की बात नहीं यार, मुझे तो लग रहा है हम लोग ये टक्कर का जाएगा मैच वाला। मैग लेके मैं घुसता हूँ अंदर, एक मैग है, ये गन है मैक्स 7, ये शॉर्ट गन है, क्लोज रेंज की सबसे बेहतरीन गन है, ये करीब में एक गोली से बंदा मार देती है, इसका इतना पावरफुल शॉट होता है कि वो बंदे को कोई मार देता है। लेकिन अभी मैं बहुत बुरी तरीके से बचा हूँ तो अब मैं वापसी नहीं जाने वाला, कि वो करीब नहीं था, वो दूर था, लगी होगी उसको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मैं वन बुलेट हूँ, एक बुलेट और मैं खल्लास खत्म। तो पहले मैं इसको फेंकूँ, काम की गन उठाऊँ। आप देख सकते हैं कैसी क्लासिकल स्किन है इसके पास, बिल्डो बिल्डू के पास। तो अगेन राउंड्स निकल लें, मज़ा भी आ रहा है मुझे तो काफ़ी खेल लें। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ और बताएंगे भाई, कौन लोग हैं इसको तो मूट ही रखे बंदे, तो आपको एक चीज़ और बतानी थी। कि ये जो ये गेम है ना, आप समझ रहे होंगे कुछ पीसीस पे नहीं चलता, लेकिन ये चलता है, ऐसी बात नहीं, ये मेनली मोस्टली पीसीस पर ये गेम चलता है। और इसमें इसके लिए रिक्वायर्ड आपको 9 GB चाहिए, एक छोटा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ चल जाएगा, हमारे पास छोटा ग्राफिक कार्ड उस पर चलता है, और इसमें आप बेहतरीन चलता है, कोई हाई पावर डिस्प्ले की जरूरत नहीं, सब सही रहता है, तो इतना कोई मसला नहीं है। ऐसी आज कुछ चलता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब हो जाता है, तो और अच्छा चलता है। और मैं फंस गया यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा एफपीएस आ रही है मेरी, मैं इनको बता दूँ, आई हैव 25-30 एफपीएस, माई गेम इज लैगिंग। कौन सा आ रहा है जंग से, कुछ समझ भी नहीं आ रहा बंदा है कहां पर। बॉम्ब कहाँ गिर रहा है ये भी नहीं पता, कितना टकरा है गेम, और ऐसे मौकों पे गेम हवा में होता है, मुझे पता है ले गया बॉम्ब, काफ़ी होशियार था ये मिसाइल चिकन। गेम बहुत अटक रहा है, लैगिंग अपसेट हो गया। वाह भाई कैंपर वाह, नाइस, सामने तो आता। चले वो कैंपिंग से जीत गए राउंड, तो मसला नहीं है बिल्कुल भी।
वन है कि वो अच्छा टैकल कर रहा है। नीड बैक अ बॉम्ब ड्रॉप। अबे भाई घूम कर आ गया मुझे मारने, उसको पता था मैं यहाँ पर हूँ। अभी मैं फोर्थ नंबर पे, एटलीस्ट सेकंड नंबर आप पे आ रहा हूँ, कह भी सकते हैं यार। हार गए क्योंकि उस बंदे के पास सिर्फ एक गन है। हार दी इसने तो। हाँ मैं देख रहा हूँ। अबे हेडफोन पहने मैं चालू क्यों धूम। उसके पास कोई बहुत बुरा हुआ है। अबे मार दे यार सारे एक के 47 वाले मार दो। इम्पॉसिबल डूड। ऐसी चिकन मैंने लगाया ना को काम नहीं हो जाएगा। आप दे दो आप। Out of money, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इतनी एक्सपेंसिव गन खरीद ली, अपनी फेवरेट गन डेसीमीटर। मैं पुश कर सकता हूँ मेड, ये मेरी हरकत ही नहीं है ना जिनकी वजह से मैं मरता हूँ। देखा आपने, मैंने उसको तो मार दिया लेकिन दूसरा ने मुझे मार दिया। तो भाई मैं अब काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा चैनल, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो गाइस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि गेमिंग चैनल मैं चाहता हूँ सिर्फ कॉन्टेंट बनाऊँ और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।